17 जनवरी 2023 को हरियाणा के हासी में एक गैंग वॉर हुआ। जब एक कुख्यात गैंगस्टर अपने साथियों के साथ कोर्ट में पेशी पर जा रहा था, तभी अचानक उसके विरोधी गैंग के बदमाश आते हैं और उस गैंगस्टर को ताबड़तोड़ इतनी गोलियां मारते हैं कि वो गैंगस्टर कोर्ट में पहुंचने के बजाय मारा जाता है। आज इस गैंग वॉर को 8 महीने का वक्त बीत चुका है। इस मामले में अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिस गैंगस्टर को 17 जनवरी 2023 को मारा गया था, उसका नाम था गैंगस्टर प्रदीप बड़ाला। तो क्यों मारा गया था प्रदीप बड़ाला, क्या थी उस खूनी गैंग वॉर की कहानी, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। गैंगस्टर प्रदीप बड़ाला और काला हत्याकांड के मास्टरमाइंड सिकंदर और फौजी को कोर्ट ने पूछताछ के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड के दौरान पुलिस उससे गहनता से पूछताछ करेगी और असलाह बरामद करने की भी कोशिश करेगी। फौजी पर आरोप है कि उसने हिसार के एक कारोबारी संजू यादव की भी हत्या करने के लिए अपने साथियों को भेजा था। सिकंदर को CIA 2 की टीम ने सेक्टर 5 से गिरफ्तार किया। वो जमावड़ी का रहने वाला है। 17 जनवरी को गैंगस्टर प्रदीप काला की हत्या में उसका नाम सुर्खियों में आया था। वारदात के वक्त प्रदीप अपने 2 साथियों समेत गाड़ी में सवार होकर हिसार की कोर्ट में पेशी पर जा रहा था। जेतपुरा के पास उसकी गाड़ी को जबरन रुकवा कर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। गोलियां लगने से प्रदीप का एक साथी घायल भी हुआ था। गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 8 महीने के बाद सिकंदर अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस के मुताबिक सिकंदर हरियाणा के हिसार के एक कारोबारी संजू यादव की हत्या करना चाहता है। उसने हत्या के लिए असलाह देकर अपने साथियों को भेजा है, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। CIA 2 के मुताबिक संजू यादव हिसार के चूड़ामणी अस्पताल में शेयर होल्डर है, लेकिन चूड़ामणी चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है। ट्रस्टी ने कहा है कि चूड़ामणी चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, न कि संजू यादव का। फिलहाल पुलिस अब गैंगस्टर सिकंदर से गहनता से पूछताछ कर रही है। टीम BTF न्यूज़।